सिद्धारम नमो सिद्धारम नमो सिद्धारम नमो आयरियारम नमो वज्जायारम नमो लोए सव सावणम ऐसो पंच नमुक्कारो सव पावक परासनो मंगलारम च सव्वे सिम परमम हवे मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद तो सब पुराने तो सबको आते ही इस पे डाल देते हैं बस। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद गागा की दादागी दादा के दादागी निज पद को स्थिर करो निज पद को स्थिर करो तन मन जगमग कर दो तन मन जगमग कर दो स्वपद को अमर कर दो स्वपद को अमर कर दो गागा की दादागी गागा के दादागी निज पद को स्थिर करो निज पद को स्थिर करो तन मन जगमग कर दो तन मन जगमग कर दो स्वपद को अमर कर दो स्वपद को अमर कर दो मानव के भव में ही मानव के भव में ही मुक्ति का पथ मिले मुक्ति का पथ मिले दूसरी सब गतियों में दूसरी सब गतियों में कर्मो फल रस पीले कर्मो फल रस पीले जीव मीत किसी व बनो जीव मीत किसी व बनो ईश्वर जागृत कर दो ईश्वर जागृत कर दो मानव से देव बनो मानव से देव बनो खुद को ही खुदा कर दो खुद को ही खुदा कर दो गागा के दादागी गागा के दादागी निज पद को स्थिर करो निज पद को स्थिर करो तन मन जगमग कर दो तन मन जगमग कर दो स्वपद को अमर कर दो स्वपद को अमर कर दो जीवन का मूल है तू जीवन का मूल है तू स्वगुण प्रोडक्टिवली
सारी सुविधा सब संसारी सुविधा बाय प्रोडक्शन की गी बाय प्रोडक्शन की गी जग कल्पित भ्रांति है जग कल्पित भ्रांति है रिलेटिव फैक्ट अभ्यास रिलेटिव फैक्ट अभ्यास सुख आत्मा का गुण है सुख आत्मा का गुण है बुद्ध गल डिसमिस कर दो उद्गल डिसमिस कर दो गागा के दादागी गागा के दादागी निज पद को स्थिर करो निज पद को स्थिर करो तन मन जगमग कर दो तन मन जगमग कर दो स्वपद को अमर कर दो स्वपद को अमर कर दो कुछ बातें याद आए कुछ बातें याद आए दिल मजबूत कर लेना दिल मजबूत कर लेना दो आंसू का अभिषेक दो आंसू का अभिषेक दादा को चढ़ा देना दादा को चढ़ा देना अपना आत्मा स्थाई अपना आत्मा साई हानी जग अस्थाई हानी जग अस्थाई है टेम्पररी सब भूल है टेम्पररी सब भूल परमेनंट सिद्ध कर दो परमेनंट सिद्ध कर दो गागा के दादागी गागा के दादागी निज पद को स्थिर करो निज पद को स्थिर करो तन मन जगमग कर दो तन मन जगमग कर दो स्वपद को अमर कर दो स्वपद को अमर कर दो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। कितना सिंपल बता दिया कि गा गा के दादा की निज पद को स्थिर करो दादा भी बता रहे थे कि ऐसे ये काल में दादा भगवान का प्रागट्य होना कलयुग में दादा भगवान का प्रागट्य होना ऐसी प्योरिटी तो कि हमें उनकी मन वचन का की प्योरिटी समझ में आए हमें उनका ये कसाई रहित व्यवहार
से निकाली पार्ट में भी क्रोधमान मारो नहीं है, व्यवहार समझ में आए, क्योंकि व्यवहार में जो जागृति थी, व्यवहार की जागृति कैसे थी, कितना भी भारी हिसाब है पर निपटा देते, तो व्यवहार की जागृति और साथ में निश्चय की जागृति, व्यवहार का निपटारा करते थे मगर निश्चय के लक्ष्य से हर हर पल हर समय वो अपने निश्चय में रहते, शुद्धात्म पद की गद्दी से नीचे नहीं उतरते। तो ऐसे पुरुष उनके गीत गाते हैं ना, तो भी अल्टीमेटली हमारी शुद्धात्मा में स्थिरता बढ़ जाती, तो इसके लिए सत्संग तो सब इसके लिए सत्संग है, या कीर्तन भक्ति है कि शिविर है कि गुरु पूर्णिमा है जन्म जयंती है, इसके लिए कि हमारी शुद्धात्मा में स्थिरता बढ़ जाए। वो अटेंड करने के बाद हम कितना ज्यादा पांच आज्ञा में रह सकते हैं, कितने ज्यादा पूरे दिन में हमें शुद्धात्मा की जागृति रहती है, के लिए सब इसके बारे में दादा के दादा की तो और कुछ नहीं आता है, तो दादा के अनुकरण क्या करो तो निकाल सिंपल बताए। आपका सुनना कुमार गुप्ता कुमार अच्छा मैं अच्छी बात कितने साल हो गए ज्ञान दीप ज्ञान दीप स्वामी तो वो दीपक भाई आए थे वहाँ भी थी बिरला और दो दिन बाद आप प्रोग्राम हाँ हाँ दीपक भाई थे हाँ जैसे आए थे तो वहाँ ज्यादा प्रोग्राम वहाँ भी बताया था वैसे पहले भी मैंने छः महीने पहले ये रमेश जी आए थे जो आए थे हरिमल देवी जी के यहाँ तब भी दिया बताया था डबल हो हाँ कोई बात डबल होगा ऐसा प्रॉब्लम नहीं हाँ पांच आ गया है कि आप समझ में आने लग गई बस बस एकदम बस बस परफेक्ट आपको पांच आज्ञा समझ में आने लगी और पांच आज्ञा का उपयोग होने लगा और मैं शुद्धात्मा हूँ जागृति रहने लगी हो गया इतना ही सत्संग से विशेष लगाव रहता है वही भी होता है मैं अच्छे बहुत अच्छे सूख दे दिए प्रभु की मर्जी नहीं होगा तो व्यवस्थापक शक्ति नहीं भेजे कहीं दाने नहीं दे कोशिश कर रही नहीं अभी तो क्या है कि आपको मान हो मैं शुद्ध आत्मा हूँ हाँ तो बाकी क्या बचा है तो कि बाकी अपना जो व्यवहार लेके आए हैं एक 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 मीन्स फर्स्ट टाइम क्या के पर कुमार स्वामी जी सुबह चार सवा चार बजे जैसे निकलता हूँ ना घर से मॉर्निंग वॉक के लिए हाँ। तो मैं आँख बंद करके रास्ता तो क्लियर सा होता है रोड के लिए मैं शुद्ध आत्मा हूँ कम से कम 10 मिनट चलता है बराबर बहुत अच्छा। तो ये कैसा है कि वॉक करने के लिए निकलते हैं ना हाँ। तो ये सुबह में तो कोई इतने आदमी नहीं मिलेंगे बिल्कुल हाँ। खाली रहता है सलाखी में रहते हैं तो कुछ नहीं मिलता है तो पेड़ पौधे तो मिल जाते हैं तो गार्डन में तो घूमते हैं तो वहाँ भी ऐसा था जागृति अवेयरनेस में रखने का ये बाय रिलेटिव पॉइंट प्लांट है पेड़ है और व्यवहार व्यवहार दृष्टि से पेड़ है पौधा है और निश्चय दृष्टि से बाय रियल पॉइंट शुद्ध आत्मा है इतना थोड़ा उपयोग ही करने का ऐसे एक एक को देख के नहीं बोलते बोलने का अंदर अंदर वो रहा कि शुद्ध आत्मा है सब बहुत हो गया तो ये पहली दो आज्ञा हो गई सिंपल हो गया फिर कभी ऐसा निकला कोई कुत्ता भी मिल गया तो भी ध्यान में रखने का कि भाई रिलेटिव पर कुत्ता है भाई रियल पर शुद्ध आत्मा मगर ये शुद्ध आत्मा दूसरे सब जगह यूज करने का इससे क्या होगा कि जीव मात्र में आपको मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसी जागृति बनी रहेगी
तो जीव मात्र में भले देर आर डिफरेंट पैकिंग्स वेराइटीज ऑफ पैकिंग्स आर देयर, मगर सब है शुद्ध आत्मा। तो ऐसा भीतर रहा कि सब शुद्ध आत्मा है, तो जो वेदांत में बता ना आत्मा वत्सरो भूतेषु, तो वो दशा शुरू हो गया और सब में शुद्धात्मा देखते देखते वो दशा को पूर्ण कर देगा। आज गीता में भी जैसे कहा है वासुदेव सर्व, वसुदेव कुटुंबकम, वो क्या बताया कि पूरा सारा जो संसार है कि हमारे एक कुटुंब, एक कुटुंब है। तो अच्छा है ऐसा प्रयोग होता रहे और अपना याद आता रहेगा, वो मेमोरी बनाई रहता है। व्यवहार करते तो भी भूल जाने का, और व्यवहार पूरा है तो पूरा हुआ बातें याद आएगा, व्यवहार करते समय वो सब नहीं देख लेगा, क्योंकि नहीं तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा। वो तो क्या है, व्यवहार आता है ना सामने, तो कृष्ण कुमार को बोलने का कि फाइल आई, फाइल का संभव से निपटारा करो, फिर बाद में शुद्धता पे आते रख रहेगा, बाद में वो सब नहीं रख रहेगा कि ये व्यवस्थित कर, पहले फाइल का निपटारा करो, फिर बाद में वापिस अपने शुद्धता में आ जाओ और कुछ भी हुआ सब व्यवस्थित सब देख के चैप्टर क्लोज करो। नहीं तो फिर ऐसा करने के लिए जाएंगे कि भाई शुद्धात्मा भी कृष्ण कुमार व्यवहार करते हैं, कृष्ण कुमार बात करते हैं, ऐसा सब करने के लिए जाएंगे। तो स्वामी तीसरे आ गया है ना व्यवस्थित शक्ति का मतलब क्या है कि जगत है तो जगत में सूर्य अपने टाइम से आता है, अपने टाइम से जाता है, चंद्र अपने टाइम से आता है, अपने टाइम से जाता है, कभी 5 मिनट लेट होता है, वो अपने टाइम से जाता है। इससे सीजन है, ऋतु है, वो भी अपने टाइम से बदलती रहती है। तो के सारे जगत के सूर्य चंद्र तारा ये सीजन सबको व्यवस्थित कौन रखता है, तो के एक व्यवस्थित करके शक्ति है जो सारे जगत को व्यवस्थित रखती है, मगर ये व्यवस्थित शक्ति चेतन शक्ति नहीं है, वो मैकेनिकल शक्ति है। जो चेतन शक्ति होती तो उनको भगवान बोलते थे, और भगवान है, और भगवान का पद ये चलाने वाले से बहुत ऊपर का है, ख्याल में। तो चेतन शक्ति सबको चलाती है, ये मैकेनिकल शक्ति व्यवस्थित शक्ति, तो के ये जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है, वो व्यवस्थित शक्ति सबको चलाती है, जिसको इंग्लिश में बताया कि साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, वैज्ञानिक संयोगिक पूरा। तो ये सभी संयोग मिलते हैं तभी कोई कार्य होता है। नहीं ये व्यवस्थित शक्ति है, ये प्रकृति का भाग है ना, प्रकृति का भाग है ऐसा नहीं, तो प्रकृति अलग है, प्रकृति कुदरत अलग है। नहीं, जैसे मैं समझना चाहता हूँ कि मैकेनिकल में और प्रकृति में क्या तफावत है। ये प्रकृति है मैं, वो विशेष भाव से खड़ा करके हम लाए हैं, और सबकी इंडिविजुअल प्रकृति है, सबकी प्रकृति इंडिविजुअल है, आपकी प्रकृति अलग है, बाल किशन की अलग है, जयराम की अलग है, किशन कुमार की अलग है, सबकी प्रकृति अलग अलग है। प्रकृति का मतलब यहाँ तो स्वभाव हो गया ना, प्रकृति में इस विशेष भाव से जो खड़ा किया था वो अभी जो लेके आए वो प्रकृति, फिर बोलेंगे प्रकृति स्वभाव, फिर बोलेंगे प्रकृति स्वभाव चेंज नहीं होता है, फिर बोलेंगे कुत्ते की पूंछ जिनको कितना भी सीधा करे मगर बात तो टेढ़ा हो ही जाता है, ऐसे बोले किसी प्रकृति बदल नहीं पाएगी, ऐसा सब बातें करते हैं। तो हमें सिर्फ इतना समझ लेने का है,
व्यवस्थित है, एक पूर्ण ज्ञान है व्यवस्थित शक्ति प्रकृति बोलते हैं ना, तो वहां आपको समझ में नहीं आता है कौन चलाता है। नहीं, प्रकृति के बारे में तो ऐसा कहते हैं, जैसा हमारी बुद्धि की बात बताता हूँ कि जो ऑलमाइटी गॉड है, सुप्रीम वन, उसकी मौजूदगी में वो किसी में दखल वखल नहीं देता, उसकी प्रेजेंस में प्रकृति फंक्शन करती है। बराबर है, कैसी बात है कि आपका प्रॉब्लम कहाँ हो जाता है कि व्हेन यू से ऑलमाइटी गॉड, सुप्रीम गॉड बोलेंगे, मगर ये आपका मन वचन का जो चल रहा है ना, भीतर गॉड है इसकी वजह से चल रहा है, भीतर शुद्धात्मा उसकी वजह से चल रहा है। बराबर। और सब शुद्धात्मा में फर्क है, कोई सुप्रीम है, कोई लोअर है, ऐसा है, कोई सबॉर्डिनेट ऐसा है, नहीं, सब आत्मा का सेम क्वालिटी है। ऐसा बोलते ही रहे तो फिर एग्जैक्टनेस पकड़ भी नहीं आती, इसने दोनों अलग कर दिया कि व्यवस्थित शक्ति। तो क्या बताया कि आज तक आपको ऐसा था कि मैं कृष्ण कुमार हूं, अभी ये ज्ञान प्राप्त हुआ तो भान हुआ कि नहीं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। तो आज तक आप कृष्ण कुमार थे तो कृष्ण कुमार होके सब चला रहे थे, बराबर है? आपको था कि मैं जॉब करता हूं, मैं घर चलाता हूं, मैं ये करता हूं, मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा? तो आज तक कृष्ण कुमार थे और डुअल थे, कलता थे। अभी आपको भान हो, नहीं मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, कृष्ण कुमार से अलग हूं, तो आज तक आप चला लेते थे, अभी अलग हो गए, तो कृष्ण कुमार का चलाएगा कौन? क्योंकि व्यवस्थित शक्ति कृष्ण कुमार का चला लेगा, तो सिर्फ कृष्ण कुमार का तो नहीं, जीव मात्र का। तो ये व्यवस्थित शक्ति जीव मात्र को लागू होती है, और ये बुद्ध बोलते हैं तो सबको लागू होते, शुद्धात्मा को नहीं लागू होती। शुद्धात्मा तो कुछ लागू नहीं होता है, मगर व्यवस्थित शक्ति जीव मात्र को उनका पिछले जन्म का जो कर्म बनाया है उनका, वो कभी वो बना लिए तो प्रारब्ध कर्म के हिसाब से सामने तो आएगा ना, तो सामने लाने का तो कैसे आएगा? तो सब एक संजोग से थोड़ा आएगा, सब संजोग मिलाना पड़ेगा ना, तो सबके संजोग मिलाना वो एक व्यवस्थित का ऐसा, ये व्यवस्थित शक्ति, इसका दूसरा आप क्या बोलते हैं, एक कुदरत का, नेचर का एक सुपर कॉस्मिक कंप्यूटर है, उसमें सब जीव सब मनुष्य का डेटा इनपुट हो जाता है, फिर दूसरे जन्म में उनको सब हिसाब मिला देते हैं। आज आपको यहाँ आने का हुआ तो आपकी एक भावना थी कि सत्संग में जाना है, वो एक संजोग है, मगर भावना थी हर रोज सत्संग मिलता है तो नहीं मिलता है। अजय हम आज आए और एक बार किसी ने सत्संग रखा, आप कहाँ रहते? मैं टॉप रोड पे रहता हूँ, टॉप फाटक पे। तो बार किसी ने आपने बताया तो आपको पता है, या तो आपको न्यूज मिला कि किसी ने टेलीफोन किया, ग्रुप में मिला तो सुबह भी था लेकिन 3 बजे बाद देख पाया मैंने, बराबर हमसे देखा है बाहर से। मैं क्या बता, ग्रुप का रह गया मेरा, ग्रुप पे था, आप ग्रुप पे थे तो आपने ग्रुप पे देखा, वो भी एक संजोग है। सुबह में भी आप फ्री थे पर ग्रुप पे देखा ही नहीं तो आप नहीं आ पाए, तो ये सब संजोग मिलाने का ने, तो अभी का सत्संग का आपका संजोग, तो अभी ये ग्रुप में आपने देखा, आप फ्री थे, आपको आना था, हम लोग यहाँ है, मानो कल यहाँ आएंगे तो ये सत्संग मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो के द्रव्य क्षेत्र काल भाव सभी संजो को इकट्ठा करना वो व्यवस्थित शक्ति का काम, इस चारों को जो एक साथ मिलाता है वो व्यवस्थित शक्ति। स्वामी जी, व्यवस्थित शक्ति और कॉन्शियसनेस या चेतना एक ही है या कोई इनमें क्या व्यवस्थित शक्ति? व्यवस्थित शक्ति तो हो गई, अपन तो चला रही है, जगत जनता है। हाँ। तो ये चेतना बोलते हैं, कॉन्शियसनेस चेतना कॉन्शियसनेस एक ही है क्या दोनों या कोई अलग? वो तो बहुत अलग है ना, वो तो लोग कहते हैं चेतना शक्ति चला रही है सब कुछ,
ये तो है कॉन्शियस इनर कॉन्शियस सटल कॉन्शियस बोलेंगे ना तो सबको सुनने में अच्छा लगता है। और इंटेलिजेंट लोग हैं ना उनको ऐसा बारी बारी शब्द यूज करके अच्छा लगता है। वो तो क्या है एक प्रकार की जागृति है, जागृति अवेयरनेस अवेयरनेस। एक सत्संग सुना था स्वामी जी का, आए थे कोई गुजरात से मयूर भाई वर्धमान भवन है ना, ये 10-5 दिन पहले सुना था मैसेज मिल गया था हमको। तो सत्संग पूरी होता है तो ऐसे संयम बनाता है वो व्यवस्थित शक्ति मेरे को मिल जाती है सूचना। तो वो उन्होंने बताया कि चार तरह से आपका संयोग तो बनता ही बनता है तुमसे, मतलब चार तरह का ज्ञान बताया उन्होंने। अब पहले शुरू में आपको क्या होता है प्रतीति होती है, फिर होता है आपको जागृति, तीसरे नंबर की अनुभूति और चौथे पर केवल ज्ञान। ये भी काफी ठीक लगा मेरे को जब तो जागृति तो सेकंड स्टेज है, पहले प्रतिमा क्या है उनको व्यवस्थित समझ में नहीं आएगा। अच्छा उन्होंने बात की व्यवस्थित की बात की, ये व्यवस्थित वैसे बताया था भाई ये जो आपको अनुभव होता है अनुभूति ज्ञान की बात करते हैं ज्ञान क्या होता है वैसा कुछ चलाओ तो भी पास आ गया। क्या है ज्ञान क्या है, ज्ञान लोग अपनी भाषा में लेके जाते हैं। ज्ञान कैसी बात है कि आज एक ज्ञान मिला उसके पर एक ज्ञान दृष्टि मिली उसके पहले आपको क्या था कि मैं कृष्ण कुमार हूं और इतना नहीं वो पक्का बैठा हुआ था कोई हिला नहीं पाया ऐसा बराबर कोई हिला नहीं सके ऐसा ऐसा पक्का बैठा हुआ था मैं कृष्ण कुमार ही हूं। वो कितना भी आपको बोले नहीं आप कृष्ण कुमार नहीं आप आत्मा है आप आत्मा है मगर क्या रहेगा नहीं मैं कृष्ण कुमार मैं कमाया मैंने बिजनेस किया मैंने ये किया मैंने वो किया। तो ज्ञान मिलने के बाद वो सारी बिलीफ 100% फ्रैक्चर हो गई, सिर्फ इफेक्ट बची बिलीफ चली गई। और अभी क्या पक्की श्रद्धा बैठ गई मेरी प्रतीति में आ गया, प्रतीति में पक्की श्रद्धा। तो आपको शायद बाई चांस जागृति में भी रहेगी कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ मगर भीतर प्रतीति में रहेगा कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। फिर वो जो संजोग का प्रेशर हटेगा तो तुरंत अपने आप वो जागृति में आएगा नहीं मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अपने आप वो आएगा कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो ये प्रतीति बैठी तब से वो ज्ञान की शुरुआत हो गई। फिर प्रतिदि से एक ऊपर का स्टेप है उनको लक्ष्य बोलते हैं। लक्ष्य लक्ष्य का मतलब है सिंपल भाषा में बताओ तो मैं शुद्धात्मा हूं वो जागृति है वो पाठ को लक्ष्य बोलते हैं। अपने आप वो जागृति बनी रही। आप वॉक करने के लिए जाते आंख बंद करके मैं शुद्धात्मा बोलते वो लक्ष्य नहीं है मगर आँख खोल के चलते हैं सब देखते भी है और साथ में भीतर अपने आप रहता है कि नहीं मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मानो आपके साथ दूसरा कोई साथ में चल रहा है उनसे बात भी कर रहे हैं और आपको रहता है भीतर कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ ये कृष्ण कुमार बात कर रहा है और जिनके साथ बात कर रहे हैं वो भी शुद्ध आत्मा है। तो ये जो रहता है ना वो लक्ष्य है क्या मैं क्योंकि लक्ष्य का मतलब क्या अभी पहुंचे नहीं है लक्ष्य में है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ मकसद यही है ये रहे भाव। और लक्ष्य के बाद उसके ऊपर की दशा है अनुभव। तो अनुभव में औस केवल ज्ञान से पूर्ण केवल ज्ञान हो गया वो पूरी अनुभव की दशा। क्या आपको सिंपल एग्जांपल दूं अभी तो हम इतना तो पहले के समय में बस में जाते थे स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में जाते मानो यहाँ से आपको कहीं दूसरी जगह जाना है तो आपने पैसे दे दिए तो कंडक्टर टिकट तो दे देगा वो तो बोलेगा कि आपका छूटे आपके पास नहीं है आपने 100 का नोट दिया तो बोलते हैं कि 22 रुपया बाकी है बाद में ले लेना हाँ। फिर आप बस में बैठे हैं आप बाहर को देखते हैं किसी से बात करते आप भूल भी जाएंगे कि पैसा लेने का है
मगर बीच बीच में आपको अपने आप याद आएगा पैसा लेने का है, तो क्या है वो प्रतीति बैठ गई है कि मुझे लेने का है, क्या मैं प्रतीति बैठ गई। फिर बीच बीच में जागृति हो जाएगी तो पता है चलने लेने का है, लेने का है, वो लक्ष्मी रहेगा मुझे लेने का है। तो उतरते समय तक जो पैसा नहीं दिया तो उतरते समय वो लक्ष्य में है ही नहीं, तो उनके पास मांगेंगे कि भाई वो पैसा बाकी है, तो फिर वो आपको दे देगा। वो आपके हाथ में पैसा है, वो क्या हुआ, अनुभव हो गया। तो ऐसा प्रतीति, लक्ष्य, अनुभव, ये ज्ञान मिलने के बाद, ये दादा भगवान की निश्चय दृष्टि प्राप्त होने के बाद, आप ये प्रतीति, लक्ष्य, अनुभव में ऊपर नीचे होता रहते। जागृति है तो लक्ष्य की दशा रहती है, और ज्यादा वो रहा तो अनुभव में भी आ गया, मगर अस्पष्ट अनुभव। दादा भगवान का खुद का स्पष्ट अनुभव की दशा, अस्पष्ट अनुभव है इसलिए हमें कोई भी संजोग आए तभी वो सिद्ध स्तुति के वाक्य, निश्चय चरण जी के वाक्य का प्रयोग करना पड़ता है। कुछ चोट लग गई तो बोलना पड़ता है, भाई मन वचन का से बिल्कुल भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, मैं अव्यापार स्वरूपी हूँ, मन वचन का वे बाधा पीड़ा स्वभाव के है, मैं अव्यापार स्वभाव वाला हूँ, तो ये फिर ऐसा बोलते हैं ना, फिर वो तुरंत जागृति आ जाती है। मगर ये वाक्य का प्रयोग करना पड़ता है, और दादा भगवान थे स्पष्ट अनुभव की दशा वाले पुरुष, तुमको कभी बोलना नहीं पड़ेगा, सिद्ध सुध के वाक्य का प्रयोग भी नहीं करना पड़ेगा, उनको उनका उनको वर्तन में वर्तते वर्तना में होते वर्तना। तो हमें हमें कुछ हुआ, सरदर्द हुआ, हमें सरदर्द हुआ तो बोलना पड़ेगा कि मन वचन का से बिल्कुल भिन्न ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन का से अलग ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, बोलना पड़ेगा। और वहाँ कोई नहीं, उनको ऐसा ही रहेगा कि ये फाइल नंबर एक को हो रहा है, ऐसा अपने आप ही वो जय सच्चा जय सच्चा अपने आप ही वो सब रहेगा। रखना नहीं पड़ेगा, अपने आप रहेगा, और अपने आप रहेगा ना वो सबसे बड़ी बात है। तो हमें वहां तक पहुंचने का है, अभी हमारी अस्पष्ट अनुभव की दशा है, और पांच आज्ञा में रहकर हमें स्पष्ट अनुभव की दशा में पहुंचने का है। उधर आवाज सुनाई दे, आवाज आती है रमेश से आपको भी आती है, समझ में आया? अभी पांच आज्ञा में रहकर अभी दादा भगवान की कृपा से एक ज्ञान मिला है, दादा भगवान की कृपा से मिला है। हम कोई भी आप तो पुत्र है, उनका खुद का कुछ नहीं है, वो तो सब ऐसा है जैसे ये लोगों ने खाना पकाया किचन में, हम भोजन करने के लिए बैठे हो, बालकृष्ण जी आके परोसेंगे, तो उसमें बालकृष्ण का क्या है, जो है वो बनाने वाले का है। तो दादा भगवान ऐसे निमित भाव से रहते थे, उनको ये 1950 में ज्ञान खुला हुआ, प्रकट हुआ, तो कभी ऐसा नहीं बोला कि ये हमारा ज्ञान है। वो क्या बताते थे, ये हमारा ज्ञान नहीं है, तो वितरकों का ज्ञान है। और 1958 में हमारे भीतर खुला हुआ, क्यों खुला हुआ, तो कि आप सब लोगों की पुण्य थी इसने यहाँ खुला हुआ, तो हम आपको कुछ देते भी नहीं है, लेते भी नहीं है, आपके भीतर जो ज्ञान प्रकाश है तो थोड़ा आवरण हटा के आपको बता दिया, मैं मिलता है तो हम देने वाले नहीं है, आपके पुण्य और आपके कितने जन्मों की भावना इससे आपको प्राप्ति हो जाती है। तो देखो कोई चखने की भी बात नहीं,
सपने की भी बात थी। इसमें एक बात खड़ी होती है कि जैसे मैंने सुना है दादा से, या आप बताना कहाँ गड़बड़ है, कि वो दादा कहते हैं अगर आपका आप पानी पी, हाँ बोले बोलते, अगर आपका स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन हो, दृढ़ निश्चय हो लक्ष्य के प्रति, तो कुदरत आपकी मदद करती है, ऐसा मैंने। बराबर है, हाँ तो इसमें गलत का है, सही बात। अब आप वो वहाँ आप जो आप स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन नहीं हो आपका, तो वो जो है ना आपका, आपको भाई व्यवस्थित में होगा तो हो जाएगा, है ना। लेकिन अभी आपने एक शब्द बोला कि भाई भावना होनी चाहिए, तो हमारा दृढ़ निश्चय होगा तो कुदरत भी आपको उस तरफ ले जाने के लिए ऐसे सहयोग मिलाएगी। तो व्यवस्थित में, व्यवस्थित का मतलब क्या है, सभी संजोगों का मिलना। तो दूसरे संजोग तो है, मगर आपका जो निश्चय है, योर रिजोल्यूशन, योर निश्चय, वो भी एक बहुत बड़ा डोमिनेटिंग संजोग है ना। हाँ, वो संजोग ऐड हो गया तो व्यवस्थित आके खड़ा रहता है। एक मिनट, दादा ने इसको इस तरह समझाया था, मैं पूछता हूँ, हो सकता है मेरी गलत हो। दादा ने यूँ समझाया कि भाई आपका अगर दृढ़ निश्चय होगा है तो कुदरत आपकी मदद करेगी। हाँ, और मदद वो इस तरीके से करेगी कि आप लक्ष्य तक पहुँच जाए। हाँ, बराबर, एकदम। लेकिन आप ये वो उस समय आप ये नहीं कह सकते कि व्यवस्थित में होगा तो हो गए। क्या क्या है इसका रीजन, क्या है कि दादा भगवान जो थे उनका निकाली अहंकार भी ऑलमोस्ट निकल गया था। निकाली अहंकार, निश्चय अहंकार भी, वो ऐसा थोड़ा पतले पतले आवरण रहते केवल ज्ञान के बाद जो चार डिग्री बाकी थे ना, कितने रहे। तो और हमारा क्या है, निकाली अहंकार निकाली अहंकार है, जिंदगी से निकाली अहंकार है। अभी निकाली अहंकार है इसलिए क्या होना चाहिए कि आपको पता नहीं कि आपके व्यवस्थित में क्या है, बराबर, इसलिए सब प्रयत्न तो करना पड़ेगा। तो ये आपका निश्चय, आपकी भावना, तो व्यवस्थित प्रयत्न होते रहेंगे। और आप ऐसे बोले व्यवस्थित होगा तो हो जाएगा, तो क्या होगा, वो संजोग मिलेंगे नहीं तो व्यवस्थित आएगा नहीं। ये संसार में लोग नहीं बोलते जो होने वाला है होगा, जो होने वाला है होगा, आप चिंता मत करो, सब कुछ पहले से डिसाइडेड है, नियति है, नियति है। इसके लिए दादा ने कहा है कि आप कहते हो सब कुछ व्यवस्थित में होगा तो वो हो जाएगा, ऐसा मानते हैं तो कहते हैं सड़क पे आप आंख बंद करके चलो ना। हाँ, काहे को इधर देखते हो, काहे को उधर देखते हो, बराबर है। इसलिए क्या है कि आपको अभी पता नहीं कि आपके व्यवस्थित में क्या है, तो व्यवस्थित का ज्ञान आपको मिला, आज्ञा रूप में मिला है। अभी तो पूरा व्यवस्थित समझ नहीं कहाँ आया है, और जब पूरा व्यवस्थित समझ में आता है तो केवल उसका नेक्स्ट स्टेप केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान खुला होता है। ये तो अभी हम मान के बैठ जाते हैं, मुझे आगे समझ में आ गया, आगे समझ में आ गई, मगर दादा भगवान आज्ञा समझाते थे ना, उनको व्यवस्थित एग्जैक्टनेस पर दिखाई देता था, उनको व्यवस्थित एग्जैक्टनेस पर दिखाई देता था। हाँ, हाँ। और हमें आज्ञा के रूप में मिला है। नहीं, यहाँ पर एक बात है कि दादा को बिल्कुल सही है, मैं उससे एग्री करता हूँ 100% कि भाई दादा को व्यवस्थित दिखाई देता था, लेकिन वो उसको कहते नहीं थे किसी को कि वो इंटरफेरेंस हो जाएगा। दिखाई देता उनका मतलब क्या है, पूरा व्यवस्थित कैसे है सब कुछ उनको दिखाई देता था। और इससे क्या होता था कि आपको तो अभी व्यवस्थित है ना, आप गिर गए तो फिर आपको बोलना पड़ा गिर गया वो व्यवस्थित, बराबर है। तो एक ज्ञान को हाजिर करना पड़ता है, पर उनका निकाली अहंकार भी खत्म हो गया था। इसलिए अभी मानो के आपको आप ऐसा बोलेंगे कि चलो भाई अभी मैं आँख बंद करके भी ड्राइव करूंगा, जो होने वाला है होगा, व्यवस्थित में होगा तो एक्सीडेंट होगा, तो वहां चलाते क्यों, व्यवस्थित समझ के तो चलाओ ना। तो वहां नहीं चलाएंगे, वहां तो आँख खुली रख के चलाते हैं, साथ में बीता में तय भी होता है कि मुझे एक्सीडेंट नहीं करना है। तो दादा बने आप हमारे लिए क्या बताया कि हमें कैसा रखने का,
कि आँख खुली रख के गाड़ी चलाने का, भीतर तय भी रखने का, निश्चय भी रखने का, एक्सीडेंट नहीं करना है, ये सब सावधानी रखने के बाद भी एक्सीडेंट हो गया तभी व्यवस्थित बोलने का, एडवांस में नहीं बोलने का। नहीं, अभी वो जो बात थी ना दादा को दिखता था है ना, तो उसका मैंने एक जगह दादा की बात मैंने पढ़ी और नीरोमा ने बताई थी कि दादा का जब एक्सीडेंट हुआ और वो ड्राइवर साहब जो ख़त्म हो गए हैं, तो दादा को ये सब बातें उनको दिखती थी, लेकिन दादा ने उसमें पहले से न तो कुछ कहा और वो एक इंटरफेरेंस हो जाता, दखलंदाजी हो जाती, तो ऐसा इसमें कहाँ कोई आपके आप कुछ कहना चाहते हो तो बताओ। वो तो दादा भगवान बड़ोड़ा से खंभात जा रहे हैं। हाँ, खंभात में एक भाई साहब ने वहाँ माता जी का यज्ञ रखा था। अच्छा, उनकी भावना थी, बीडी राव करके थे जी, काफी तो एक्सपर्ट हो गए, तो उनकी बहुत भावना थी कि दादा आप आएंगे, मैंने ऐसा रखा है। तो बड़ोड़ा से खंभात बाय रोड डेढ़ घंटे का रास्ता, तो दादा जी ने बताया ठीक है हम आएंगे। फिर जनरली दादा जी को खंभात जाने का हो तो वहाँ खंभात में डॉक्टर केबी पटेल करके थे, वो खुद लेने के लिए आ जाते थे या तो ड्राइवर को भेजते थे। जन्म जयंती की दूसरा नहीं, ये खंभात कभी भी जाने का होता था ना, तो खंभात के मेन जो महात्मा थे वो डॉक्टर केबी पटेल करके थे, वो भी अभी एक्सपायर हो गए, तो खुद गाड़ी लेके दादाजी को लेने के लिए आते थे या तो ड्राइवर भेजते थे। अभी ये हुआ और ये वो नहीं आते तो एक प्रदीप भाई करके थे, प्रदीप भाई पटेल करके बड़ोड़ा के, जिनके घर पे ही दादा बाबा का सत्संग होता था, तो उनके पास फियाट थी, तो उस समय की बात फियाट में पैसा तो ही वो फियाट लेके आ जाते थे। वे संजोग ऐसा बना कि प्रदीप भाई के साथ तय किया और प्रदीप भाई को लास्ट मोमेंट पे कुछ अर्जेंट काम आ गया, तो प्रदीप भाई ने क्या किया, उनका एक फ्रेंड था उनको बोला, तो उनके फ्रेंड ने बोला कोई बात नहीं था वो उनके लिए भेजता है ना, मेरी गाड़ी है, मेरा ड्राइवर भी है। तो प्रदीप भाई ने दादा को बताया कि ऐसा मेरा है तो मेरा फ्रेंड आने वाला है, उनका ड्राइवर आ जाएगा। ये संजोग देखो, हम भीतर से हिल जाते। हाँ, जो ड्राइवर था उनको एज भी था और थोड़ा ऐसा कैटरेक्ट आना उनका शुरू हो गया था, उनको भी इतना ख्याल में नहीं था, कैटरेक्ट में शुरू हो तो पता भी नहीं चलता है कैटरेक्ट का है। तो बैठे पीछे हम चार लोग थे, आगे तीन थे, हम निकले तो बड़ोड़ा में से ही नागरवाड़ा से राइट हैंड जाने का था, वो टर्न लेता था ना, तो ड्राइवर को जब देखने में थोड़ा था तो टर्न ऐसा लंबा लिया, तो मुझे लगा ये लंबा टर्न लेता है, मुझे तो व्हीकल खराब हो जाता है। और दादा इतनी स्थिरता से बैठे किसी के बोलने की हिम्मत नहीं, किसी के बोलने की हिम्मत नहीं। और उस समय मुझे ड्राइविंग वो आता था मगर मेरे पास लाइसेंस नहीं था, तो मुझसे रहा नहीं गया, तो थोड़ा आगे गए तो मैंने दूसरे ग्रसिक भाई करके बैठे थे, तो मैंने बोला कि गाड़ी में चला, उन्होंने भी मुझे बोला कि तेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, दादा डांटेंगे तेरे को। वो भी बात तो सही है, लाइसेंस नहीं था, आता था। फिर आगे वासत से आगे निकले, तो वासत से लेफ्ट में जाने का था, तो वो टर्निंग लेना वहां भी उसने रोड से नीचे गाड़ी उतार दी,
फिर उस समय अंधेरा होने के, इस विंटर जैसा था, अंधेरा होने की शुरुआत हो गई, जल्दी हो जाता है। आगे आगे गए, एक रेलवे क्रॉसिंग था, वहाँ आए, और उस समय तो रास्ते छोटे थे तो सामने से वो टैंकर या कुछ आ रहा, टैंकर था, तो उसके साथ हेड ऑन कोलिजन हो गया। आसो तो चौकड़ी के पास रेलवे क्रॉसिंग आता है, रेलवे क्रॉसिंग जब क्रॉस किया पास तुल तो हेड ऑन कोलिजन हो गया। तो स्पीड उस समय तो बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, रास्ते में आपका 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर ऐसी स्पीड होती है, और हेड ऑन कोलिजन हो गया। दादाजी का दरवाजा खुल गया, सीट भी पूरी बाहर आ गई, इतना हेड ऑन कोलिजन, दादी बाहर सीट के साथ, बाकी सब सबको इंजरी हुई थी। और गाड़ी का पोजीशन देखे ना, उनका फोटोग्राफ तो सबको लगे इसमें कोई बचा नहीं हुआ, सब बच गए। मेरा कहने का मतलब क्या है कि इतने सारे संजोग थे, वो देख के हम लोग भी विचलित हो जाते थे, मगर दादा की स्थिरता देख हमें ऐसा आगे से कुछ आ रहा ऐसा दिखाई देगा ने तो उनको बदलने का प्रयत्न करेंगे, व्यवस्थित को चेंज करने का प्रयत्न करेंगे, फिर वो व्यवस्थित का एग्जिट ज्ञान फिर रहेगा नहीं। तो ये दादा की जो स्पष्ट रूपों की दशा है यहाँ पता चलता है, कितना सा सब कुछ दिखाई देने के बाद भी आराम से बैठे। उनका जो हिसाब है ना, कर्म का हिसाब पूरा करते, प्रेम से पूरा करते। और हम क्या है, हमें कुछ ऐसा प्रतिकूल संजोग आ गया तो मंदिर में जाएंगे, मन्नत रखेंगे, थोड़ा विधि भी ज्यादा करेंगे, त्रिमंत्र की माला करेंगे, तो हम व्यवस्थित जो आता है उनका स्वीकार नहीं कर सकते, उनको बदलने का प्रयत्न करते हैं। मेरी बात अभी समझ में? और दादा उनकी क्या दशा थी, जो भी संजोग आए, जैसे भी संजोग आए, एज इट इज उनका एक्सेप्टेंस था, उनका स्वीकार था, बहुत ऊंची दशा है, ऐसा ऐसा हो नहीं सकता है। हम कितने भी हम जाते हैं व्यवस्थित है, मगर फिर भी अरे आपको पता है, चलो आपको दिखाई देता है कि व्यवस्थित है, व्यवस्थित में क्या है दिखाई देता है, अभी आपको दिखाई है घर पे जाते समय मुझे रास्ते में एक्सीडेंट होने वाला है और फ्रैक्चर हो जाने वाला है, तो क्या करेंगे आप? नहीं जाएंगे, जाएंगे ही नहीं, जाएंगे नहीं, बराबर सुन गए। तो भाई कर्म का हिसाब कब क्लियर होगा? डेफर रह गया, बाकी रह गया ना, वो कर्म का हिसाब बाकी रह गया, तो इसलिए फिर वो ज्ञान खुला नहीं होता है। इसलिए दादा ने आपको क्या बताया हम सबके लिए कि कुछ भी हो गया बाद में व्यवस्थित बोलना, पहले से नहीं बोला कि व्यवस्थित तो होगा तो जो होगा वो देख लेंगे। बच्चा पढ़ाई करता है, उनकी एग्जाम है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, वो बोले व्यवस्थित में हमें पास होने वाला, जितना परसेंटेज होगा इतना आएगा, तो ऐसा नहीं, आपको एंड तक, जहां तक एंड रिजल्ट नहीं आया है वहां तक सारे प्रयत्न सारे एफर्ट्स आपकी ओर से करने के है। कौन करेगा? तो क्या अभी तक मैं हूं करके करते थे किशन कुमार, समझा? अभी तक मैं किशन कुमार और मुझे ऐसे करते थे, अभी आप सुधा कौन किशन कुमार करेंगे, इतना फर्क है। मगर ये आसमान जमीन का फर्क है, वहां किशन कुमार होके करते थे, वहां करता पत्ता डुअरशिप थी, वहां अज्ञानता थी, वहां भ्रांति थी, और अभी मैं सुधा कौन किशन कुमार करते है वहां कर्तापन चला गया, डुअरशिप संपूर्ण चली गई, भ्रांति भी संपूर्ण चली गई। तो ये दशा में उठा के बिठा दिया, अमेजिंग हमें जो मिला है ना, बहुत आश्चर्य है, बहुत बड़ा, ऐसा होता ही नहीं, वो भी बिना कुछ किए मिला है, किया क्या है आप?
साइकोलॉजी है, जैसे दादा भगवान वाली स्थिति तक पहुंचने के लिए हम लोगों को कितना क्या प्रयास करना पड़ेगा, कैसे चाहो? पांच आज्ञा में रहने का है, सिंपल सिंपल। आप सत्संग में आते हैं ने, वो पांच आज्ञा में ज्यादा रह पाए इनके लिए आते हैं। आप गुरु पूर्णिमा में आते हैं, जन्म जयंती में आते हैं, दावणी पुण्यतिथि में आते हैं, कोई प्रसंग है, शिविर है, उसमें आते हैं, कुछ भी आते हैं ना, किसके लिए आते हैं? वो सब अटेंड करने के लिए नहीं, वो अटेंड करते करके वहाँ चुका जो वहाँ का जो माहौल होता है, वो माहौल में आपका आज्ञा में रहने का निश्चय पक्का होता जाता है। और बाद में आप आज्ञा में ज़्यादा रह पाते हैं और आपको भाई शुद्धात्मा वो जागृति ज़्यादा बनी रहती है। वो हुआ तो वो काम का है, नहीं तो काम का क्या है? मैं एक वीक तक शिविर अटेंड करके आया या कीर्तन भक्ति अटेंड करके आया, मगर मेरे को कुछ वो अंदर भीतर की जागृति पांच आज्ञा, बाहर का पार्ट तो छोड़, उसमें मुझे नहीं कुछ देखना नहीं है, मगर ये भीतर की जागृति आज्ञा में रहने का वो सब जो नहीं बढ़ा, वो बढ़ाने के लिए है। क्या लगा? एक दूसरा स्वामी जी के ऊपर बात की थी पहले, जैसे बस में बैठते हैं टिकट को पैसे देते हैं, कई बार वो नहीं देता, साथ साथ हम लोग जागृति में रहता है भाई उतरने से पहले लेना है पैसा। फिर कई बार ऐसा देखा गया है अनुभव के रूप में, अब उतरते टाइम भूल जाते हैं उसको, अब वो भी इसी भावना से नहीं देता, बार बार जागृति मांगने पर अभी दे देंगे खुल ले लिए, उसकी नीयत खराब है भाई, ये कैसे भी सूख जाए और ये पैसे मेरे जेब में रह जाए, इसका क्या कारण हो सकता है? भाई हमारी वो इतनी जागृति बनी हुई थी जब तक बस में बैठे हुए थे, और जब भी बस से नीचे सड़क पे उतरे और फिर आ गए और वो पैसे तो दिए ही नहीं उसने। आपका पैसा, वो पैसा कंडक्टर देने का हिसाब था ना, इसने उतर दो आप उस रूपये माने उसको, या कोई अपनी लापरवाही मानी जाए या जागृति में कमी मानी जाए, आपकी जागृति है। हाँ तो कंडक्टर अभी क्या करे, छूटे है ही नहीं, खुले नहीं है, तो क्या करें? वो तो सब ये कर ले लो, मगर ये आप सबको ज्ञान मिला है ना, ये ज्ञान के हिसाब से समझ लेने का, अंदर पक्का रहना चाहिए कि और कुछ मुझे करने का नहीं, पांच आज्ञा में ही रहने का है, ये पूर्णाहुति पांच आज्ञा में रहने से ही होगी। हाँ पांच आज्ञा में रहने से होगी। तो मैं दूसरा ये क्या है, सब मैंने आपका ही पढ़ लिया, अब पांच आज्ञा में नहीं रहा तो वो तो नॉलेज हो गया, तो ऐसे नॉलेज की बात तो बाहर के लोग सब करते ही ना, अच्छी तरह से करते हैं, हम लोगों से भी हमारे से भी अच्छी तरह से आपको समझाएंगे, ज्यादा होती है, मगर वो सारी पढ़ के समझ के जो बात करते हैं वो बुद्धि के लिए उनकी बात होगी, और ये ज्ञान बुद्धि से पढ़ की बात। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। मैं दादा का वारस हूँ, मैं दादा का वारस हूँ, राही केवल सत का हूँ, राही केवल सत का हूँ, बोलो प्यारे साथ, बोलो प्यारे साथ, केवल सत्का हूँ, बोलो प्यारे साथ, बोलो प्यारे साथ, दादा भगवान, दादा भगवान, अमरवर दे वरदान, अमरवर दे वरदान।
करेंगे दादाजी की पाँच ही आज्ञा पालेंगे महावीर खुद ही बन जाएंगे महावीर खुद ही बन जाएंगे दादाजी की पाँच ही आज्ञा पालेंगे दादाजी की पाँच ही आज्ञा पालेंगे महावीर खुद ही बन जाएंगे महावीर खुद ही बन जाएंगे कदम कदम पे हम आगे बढ़ेंगे कदम कदम पे हम आगे बढ़ेंगे शुद्धात्मा परमात्मा होते जाएंगे शुद्धात्मा परमात्मा होते जाएंगे जय सच्चिदानंद वंदन जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद वंदन जय सच्चिदानंद मैं दादा का वारस हूँ मैं दादा का वारस हूँ राही केवल सत्ता हूँ राही केवल सत्ता हूँ बोलो प्यारे साथ बोलो प्यारे साथ दादा देखेंगे शुद्धात्मा देखेंगे जय सच्चिदानंद वंदन जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद वंदन जय सच्चिदानंद मैं दादा का वारस हूँ मैं दादा का वारस हूँ राही केवल सत्ता हूँ राही केवल सत्ता हूँ बोलो प्यारे साथ बोलो प्यारे साथ दादा भगवान दादा भगवान अमर वरदे वरदान अमर वरदे वरदान जिज्ञासु मुमुक्षु की प्यास बुझेगी जिज्ञासु मुमुक्षु की प्यास बुझेगी स्वपद में रहने की प्यास लगेगी स्वपद में रहने की प्यास लगेगी जिज्ञासु मुमुक्षु की प्यास बुझेगी जिज्ञासु मुमुक्षु की प्यास बुझेगी स्वपद में रहने की प्यास लगेगी स्वपद में रहने की प्यास लगेगी स्वयं की भजना में डूब जाएंगे स्वयं की भजना में डूब जाएंगे डूबे वे भीतर उजाला पाएंगे डूबे वे भीतर उजाला पाएंगे जय सच्चिदानंद वंदन जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद वंदन जय सच्चिदानंद
मैं दादा का वारस हूँ, मैं दादा का वारस हूँ, राही केवल सत का हूँ, राही केवल सत का हूँ, बोलो प्यारे साथ, बोलो प्यारे साथ, दादा कर्म नहीं करते वो अकर्म, कर्म कोई नहीं करते वो कर्म, हाँ अच्छा बुरा कोई कर्म ही नहीं होता है, वो स्थिति तो कैसे बनेगी हमारे सांसारिक को, हम तो कुछ ना कुछ करते ही हैं। बराबर, तो क्या है कि आप जहाँ तक कृष्ण कुमार थे वहाँ तक कुछ ना कुछ करते रहते थे, अभी तो व्यवस्थित करता हो गया, तो व्यवस्थित करता हो गया तो अभी आपको कर्म बनेंगे कि व्यवस्थित तो बनेंगे, अभी आप कृष्ण कुमार रहे ही नहीं, कृष्ण कुमार है वहां तक कर्म बनेंगे नहीं, हाँ और व्यवस्थित तो मैकेनिकल है तो उनको कर्म बनेगा नहीं, व्यवस्थित चेतन से तो उनको कर्म बन जाएंगे, व्यवस्थित चलाती है सब तो, मगर ये तो नेचुरल एडजस्टमेंट है, ख्याल में, तो आपके कर्म अभी बनते नहीं है क्योंकि आपको अभी भान हो गया कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, जहां तक आपके भान में था विलिप्त में था कि मैं कृष्ण कुमार हूं, वहां तक निंद में भी कर्म बनते थे क्योंकि आप क्या कैसे सो जाए, क्या बांध के सो जाए कि मैं सो जाता हूं, तो उठेंगे तो मुझे रात को अच्छी नींद आ गई, तो ये बिलीफ, ये जो रॉन्ग बिलीफ जो है, जो इगोइज्म है, वो पूरा फ्रैक्चर हो गया, तो कर्म का आधार क्या है, अहंकार, तो कर्म का आधार जो अहंकार है वो अहंकार आपका कंप्लीट चला गया, तभी हाँ तभी कर्म बनाने आए तो भी कैसे बना पाएंगे, शुद्ध अवस्था वाली शुद्ध आत्मा वाली स्थिति में अकर्म हो जाएगा, तो आपको भी बान हो मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो कभी कभी किशन कुमार से ऐसे किसी पे गुस्सा, किसी पे गुस्सा भी आ जाएगा, मगर आपको क्या रहेगा कि नहीं मैं शुद्ध आत्मा हूँ, पहले था कि मुझे गुस्सा आ गया, मुझे गुस्सा आ गया, मुझे माफी मांगने की है, ऐसा था, अभी तो किशन कुमार को गुस्सा आएगा और प्रज्ञा क्या बोलेगी किशन कुमार को, अरे भाई देखो जिनको जिन पे गुस्सा आ गया उनको दुख हुआ है, माफी मांगो, तो ये बहुत बड़ी जागृति की बात है, ऐसी जागृति तो बड़े बड़े जो होते हैं ना साधु संत शंकराचार्य महामंडलेश्वर है उनको भी नहीं होती है, वो ये समझने के लिए वहां बोलने के लिए नहीं, इतनी ऊंची दशा आपकी हो गई, वो बड़े बड़े होंगे माम उनको क्या होगा, उनको रहेगा कि मैं ये सरस्वती चंद्र हूँ, ये आचार्य हूँ, ये हूँ, उनके बिलीव में वही होगा, और आपको तो ये पूरा टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, ये जैसी तैसी बात नहीं है, और वो भी आपने क्या प्रयत्न किया, क्योंकि दादा भगवान की कृपा से फ्रैक्चर हुआ, भाई भाई बस सुनिए, तो आपको कर्म रहा नहीं मगर साथ में कंडीशन रखा है कि पांच आज्ञा में रहने का है, अभी आप बोलोगे मुझे अभी कर्म नहीं बनते तो मैं पांच आज्ञा में भी नहीं रहूं तो क्या होगा, तो
बहुत जन्म दूसरे खींच लेंगे। ये जो ज्ञान मिला है शुद्धात्मा की जागृति में रहते हैं, पांच आज्ञा में रहते हैं, तो एकावतार ज्ञान मिला है, तो दूसरा ये जन्म पूरा होगा, दूसरा एक जन्म होगा और उसमें मोक्ष हो जाता है। और कोई थोड़ा आज्ञा में कच्चे पड़ गए तो दो तीन पांच छह ज्यादा होंगे, तो दूर नहीं। मोक्ष अभी दूर भवी अभव्य वो नहीं रहा, मोक्ष का दरवाजा खुल गया, आसन भवी हो गए, नदी मोक्ष दो एक दो चार पांच अवतार में होने वाला है ऐसा स्टैंप लग गया। सिर्फ दादा ने इतना रेड सिग्नल दिया कि आज्ञा मेरे, और आज्ञा में तो आप रहते ही हाँ या बोलो हाँ या ना बोलो, मुझे कंफ्यूज मत करो, शुभम तो रहता है नहीं रहता है। बिजनेस कौन करता है, तू करता है कि शुभम करता है? तो ये ठीक है, ये जागृति अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं शुद्धात्मा हूँ, और इनका प्रयोग करते रहने का है। शुभम से बात करते हैं बिजनेस में, चलो शुभम ये काम निपटाओ, चलो ये फल का निपटारा करो, कोई क्लाइंट आया कस्टमर आया या कुछ करने का है तो बोलना पड़ेगा भाई, कोई टेढ़ा आदमी भी आ जाता है क्योंकि आफ्टर ऑल तो शुद्धात्मा है, ऐसे वो जागृति रखी, वो जागृति बनी रही तो ऊपर से विदाउट जागृति तो बिजनेस करेगा, और वही बिजनेस में शुद्धात्मा हूँ और ये शुभम करे ऐसे जागृति के साथ करेगा, तो जैसे वो रहा ना कि मैं शुद्धात्मा हूँ तो शुभम का टेंशन चला जाएगा। अरे ऐसे तो ये शुभम का टेंशन चला जाएगा, और शुभम कोई काम टेंशन के साथ करता है और विदाउट टेंशन करता है, कौन सा काम अच्छा होगा? विदाउट टेंशन वाला, तो एक तो ज्ञान में भी रहेगा और टेंशन चला जाएगा और काम अच्छा होगा, तो आज्ञा में नहीं रहता बहुत बड़ी गलती नहीं सुनना है। आपको आपको घर चलाने का चलाने का है, खाना पकाने का पकाने का है, मगर आपने खाना पकाया फिर भोजन करने के लिए बैठा ना, आपने एक दो आइटम खास याद करके मेरे लिए स्पेशल बनाई है, मैं तो आराम से खा लेता हूँ, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, तो आपको क्या होगा? अरे मैंने बनाया कितना अच्छा, और ये स्वामी ने कुछ बोला ही नहीं, तो फिर नहीं रह जाएगा तो पता फिर ये समोसा कैसा हुआ है, जो उन्होंने खुद ने बनाया वो बोलेंगे समोसा कैसा हुआ है, ये पकौड़ा कड़ी कैसे हुई है, ये आपको अच्छा लगा? वे क्यों पूछना पड़ता है? क्योंकि भले अभी शुद्धात्मा हो गए मगर पीछे की इफेक्ट ही ने वो मैंने बनाया है वो निकल ही बाग में रहता है कि मैंने बनाया है। तो ऐसा पूछना पड़ता है, तो बाय चांस वो नहीं भी पूछा तो मैं शायद पूछूंगा कि पकौड़ा किसने बनाया है, तो लगेगा हर कोई अच्छा नहीं हुआ होगा, जल्दी बोलेंगे भी नहीं कि मैंने बनाया। तो वो क्या है विदम बिलीफ, भले भ्रांति अभी डर गए मगर वो रहता है मैंने बनाया बराबर ठीक नहीं हुआ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो नहीं उस समय नहीं मैं सुनता था मैंने कहा बनाया, तो फिर बोल लेगा भाई सब बनाया, या तो बोल लेगा मैंने बनाया पर भीतर जागृति में रहते हैं मैं सुनता था ये फाइल नंबर एक जितने बराबर है सोचे भाई बोलिए किसने बनाया, तो अंदर हो जाएगा मैंने बनाया बराबर हुआ नहीं हुआ, तो शुद्धात्मा हो जाने का बोल लेगा हाँ दीप्ति ने बनाया, और साथ में जागृति में भी रखेंगे दीप्ति ने भी नहीं बनाया व्यवस्थित उनके पास बनवाया है, मगर भीतर ये सब जागृति रहनी चाहिए। और हम तो कैसे अच्छा हुआ तो खुश हो जाते हैं, कोई घर पे भोजन के लिए आप बोलेंगे तो बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, तो आप खुश हो जाए दूसरी बार बुलाएंगे, मगर उसने तो आपके गर्व रस को खाना दे दिया और आपने चख लिया तो फायदा क्या हुआ?
हमें तो कैसा है कि कोई घर पे भोजन करने के लिए आया है, तुम तो ध्यान में रहता है कि वो जाके फाइल है, फाइल का संभव से निपटारा करना है, आज्ञा में रहने का है, वो आए तो उसको शुद्धात्मा देखने का, फाइल का निपटारा करने का, खाना बनाया तो बनाने का, बनाओ प्रेम से बनाने का, भीतर समझ देगा कि मैं बनाती हूँ तो नहीं व्यवस्थित बनवाता है। तो आज्ञा एक कोई आता है ना, वो हमें आज्ञा में रखने के लिए आता है, बड़ा उनका लाभ ही नहीं उठाते, आज्ञा में रहते नहीं है। इससे कोई समझ में आई बात? हाँ, अब बोले खाना नहीं पका दे, वो बात तो समझ में आ जाती है। धीरे धीरे होगी बढ़ती जा रही है। हाँ, बिजनेस में भी जो संजोग आते हैं पूरा पुराने ऑफिस में, वो आपको आज्ञा पक्की करवाने के लिए आते हैं, और आप कच्चे काम पड़ जाते हैं। आप बोलेंगे अभी अभी तो बिजनेस का टेंशन इतना है ना, आज्ञा मैं नहीं रह पाता हूँ, अरे भाई ऐसी बात ही नहीं है। बात किसे समझे? ये जगत में जो भी संजोग आते हैं ने, आपको पसंद है या पसंद नहीं है, प्रतिकूल है या अनुकूल है, सभी संजोग आपके लिए उपकारी है। क्यों उपकारी है? ये सभी संजोग आपको छुड़वाने के लिए आते हैं। अब ये संजोग है, वो संजोग है, और मैं शुद्ध आत्मा हूँ इतना रहा, कितनी बड़ी प्रगति हो जाती है। हमें तो प्रगति करने की है, ऐसे भी करके हमें तो प्रगति करने की, आगे बढ़ने का है। क्यों जी, बराबर है? तो व्यवहार से बोलने का मैंने बनाया, और भीतर ऐसा भागा का वो डिवीजन भी कर लेगा कि नहीं मैं शुद्ध आत्मा है, किसने बनाया? आप प्रेमादेवी बनाए, आप प्रेमादेवी बनाया, पूरा प्रेमादेवी बनाया तो नहीं व्यवस्थित ने करवाया। सब संजोग इकट्ठे होते हैं जब जागृति होता है। तो ऐसा ऐसा ऐसे सब जागृति हाजिर रखने, ऐसा छोटे छोटे संयोग ऐसे जागृति रखेंगे ना, तो आपका फिर आज्ञा में ज्यादा रह पाएंगे। सिंपल है ऐसा, घर पे कोई गेस्ट आता खाना तो बनाना ही पड़ेगा, खाना तो वैसे भी बनाने वाले हैं, मगर ये जागृति के साथ आज्ञा में रहकर बन गया, और वो लोड के साथ टेंशन के साथ हुआ, और वो टेंशन दिया तो फिर अंदर रहता है कि वो थोड़ा अप्रिशिएट करेंगे अच्छा हुआ, इतना मेहनत किया था अप्रिशिएट तो करेंगे अच्छा हुआ, तो वो अपेक्षा रहती। जागृति में कच्चे पड़ गए, पांच आज्ञा में कच्चे पड़ गए, शुद्धात्मा की जागृति नहीं रही, इसलिए अपेक्षा खड़ी होती है। हम कच्चे पड़ गए इसलिए अपेक्षा खड़ी होती है, फिर अपेक्षा खड़ी हुई तो मार भी खाना पड़ेगा। अभी वो अप्रिशिएट करेगा तो आपको मीठा लगेगा, मगर वो तो अंदर के वो जो भरा हुआ माल है उनको पुष्टि मिल गई, वो कुछ बोलेगा नहीं तो आपका जो अहंकार का जो बीटर रस है ना, कड़वा रस, वो निकल जाता है, क्योंकि उनको चखने की आदत हो गई है ना, सब लोग अप्रिशिएट करें, वाह वाह करें, वो पार्ट निकल जाता है। बराबर है, ठीक है ना? प्रश्न पूछने वाला आप ही है, कृष्ण कुमारी मुझे फर्स्ट टाइम मिले इसलिए इनसे थोड़ी बात कर ली, अच्छा इनका और से कैसा है सब? ठीक है, वो बेटी उधर ही है अमेरिका में, मुझे था कि ये टाइम मिल जाएंगे जन्म गुरु पूर्णिमा में, नहीं वो तो बस वो मुझे क्या था, फ्राइडे सैटरडे संडे था ना तो संजोग बन जाएगा, तो बराबर वहाँ के संजोग सबके अलग होते। लॉन्ग वीकेंड था, मंडे को भी छुट्टी थी, तो क्या लॉन्ग वीकेंड है तो लोग दूसरा प्रोग्राम भी बना लेते हैं,
वीडियो पूछ लो, कुछ पूछना है तो आगे हम निकल सकते हैं। हाँ, एक सूत्र है, ज्या पक्षपात छे त्या हिंसा छे। जहाँ पक्ष है, हम किसी का पक्ष लेते हैं ना, वहां हिंसा है। क्या होगा, आप किसी का भी फेवर करेंगे किसी के भी पक्ष में रहेंगे तो दूसरा जो है उनका प्रतिपक्ष, उनको तो दुख होगा ना, तो किसी को दुख हुआ वो क्या है, हिंसा होगी, हिंसा होगी। दादा की ऐसे नॉर्मल ऐसे दादा की सारी बातें एकदम सिंपल वे में निकलती है, मगर दादा व्यवहार की भी बात करते हैं ना, उसमें निश्चय समाया हुआ। तो हम लोग कैसे है, हम लोग सत्संग में आते हैं ना, वो भी व्यवहार से आते हैं कि चलो एक लोग तीन चार दिन है तो एक दिन तो जाके आएंगे। तो क्या सोचे, एक दिन जाके आए तो व्यवहार पूरा हो गया, नहीं तो क्या सोचेंगे कि जयराम के वहाँ है तो जयराम तो हमारे वहाँ आता है, इतना हमारे साथ क्लोज कर, उनके वहाँ तो जाना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे सत्संग में जाते हैं, वो भी व्यवहार से जाते हैं। और दादा भगवान का कैसा था कि उनका सारा व्यवहार सत्संग रूप था, वो व्यवहार की बात करते थे तो उसमें भी निश्चय समाया हुआ होता। इसलिए उनके मुँह से ऐसे सिद्धांतिक बातें निकल जाती है कि जहां भी पक्षपात है, जहां भी किसी का पक्ष लेते हैं वहां हिंसा है। और जितने भी भगवान हो गए सारे भगवान निष्पक्ष थे, मुझे समझ में, भगवान राम थे किसी के पक्ष में नहीं थे, इवन भगवान किशन थे पांडवों के पक्ष में थे ऐसा हम बोलते हैं, और पांडवों के पक्ष में थे तो कौरवों के, तो ये बात ऐसी नहीं है। भगवान भगवान होते हैं, भगवान का मतलब वो किसी का पक्ष लेते नहीं है, वो निष्पक्ष होते हैं। और इतना ही नहीं, भगवान सज्जन का भी पक्ष नहीं लेते, दुर्जन के अगेंस्ट में भी नहीं होते, और साथ में भगवान सज्जन का भी हित देखते हैं और दुर्जन का भी हित देखते हैं। ऐसे निष्पक्ष है तभी उनको भगवान बोलते हैं। ऐसे बराबर है, भगवान भगवान है ये तो हम हमारी बुद्धि से समझने के लिए ज्यादा इसलिए हम बोलेंगे पांडवों के पक्ष में थे, फिर वो ज्यादा बुद्धि चलाएंगे क्या बोलेंगे धर्म के पक्ष में थे। अरे भगवान तो धर्म से परे है, गॉड इज बियॉन्ड रिलीजन। हम बोले भगवान धर्म के पक्ष में है तो मैं इसका मतलब भगवान समझ में नहीं आए, और बाहर ऐसा बोल नहीं पाते, बोलना भी नहीं चाहिए, वो एक समझने के लिए कि भगवान धर्म का मतलब बाउंड्री, धर्म का मतलब हुआ बाउंड्री कि हम वैष्णव है हमें ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, हम जैन है तो ऐसा हमें करने का ऐसा नहीं करने का, एक बाउंड्री होती है। और भगवान भगवान है, भगवान कभी बाउंड्री में होते ही नहीं, कभी भी नहीं होते, भगवान बाउंड्री के बाहर है। और ये बात समझ में आए ना तभी तो भगवान की, भगवान क्या है वो असल ख्याल में आता है।
थ्योरम समझते हैं। हाँ हाँ बराबर, कि धर्म का मतलब ही है कि ये कायदे और नियम, तो वहां सब डिसिप्लिन वो सब आ जाता है, डिसिप्लिन भी सब कुछ आ जाता है, ये करने का ये नहीं करने का, डूज एंड डोंट्स आ जाते हैं। तो भगवान को, भगवान तो मुक्त होते हैं, जो मुक्त है उनको डूज एंड डोंट्स अच्छा लगेगा, इसलिए बताए भगवान धर्म से परे। और हम बोलते हैं कि भगवान ने धर्म का पक्ष लिया और अधर्म का विनाश किया, तो बिना समझे हम भी बोलते रहते हैं। फिर बोले भगवान भक्त की मदद करते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि किसी को प्रॉब्लम है तो भगवान की भक्ति करता है, उनको एक अंदर आधार रहता है कि भगवान की मैं भक्ति करता हूँ, भगवान मेरी बात सुनेंगे, भगवान मेरे लिए कुछ करेंगे, ऐसा उनके रहता है। तो एक लेवल के लिए वो बात सही है, मगर जैसे जैसे हम धर्मों में आगे बढ़ते हैं तो सही बात तो समझनी पड़ेगी, उस समय सही बात समझनी पड़ेगी। रमन जी बराबर है स्वामी जी? फिर ये गीता में जैसे एक श्लोक आता है, काफी प्रसिद्ध श्लोक है, आपने सुना होगा, भगवान का धर्म की संस्थापना के लिए हर युग में आता हूँ, फिर वो किस टाइप के धर्म की बात कर रहे होंगे? बोलो ना, आपको आपको क्या समझ में आया, कौन से धर्म की बात करते होंगे? हम तो यही बात है भाई साहब, ये धर्म जो संसार में होता होगा शायद उसको व्यवस्थित करने के लिए आते होंगे, क्या समझ ही नहीं पाए धर्म को बात ही बोलते रहे धर्म संस्थापना था ये संभवामी युग, वो क्या मकसद क्या बात? वो तो क्या है, हम लोग क्या समझ जाते हैं, कृष्ण भगवान थे वो धर्म की स्थापना की और अधर्म का विनाश किया, बोलते हैं धर्म की स्थापना किया अधर्म का विनाश किया, मगर उनको पूछे कि भाई अधर्म का भगवान ने विनाश किया, कैसे विनाश किया? तो पांडवों के पक्ष में रहे, तो पांडवों के पक्ष में रहे तो क्या किया, उन्होंने सिर्फ व्रत चलाया है, नहीं नहीं कि वो सुदर्शन चक्र चला के सब दुश्मन को मार दिया। तो भगवान किसी को मारेंगे? भगवान हिंसा करेंगे? ऐसे मारने वाले को भगवान कैसे बोल सकते हैं? भगवान भगवान है, भगवान तो करुणा के सागर है, वो किसी को मारेंगे कैसे? मगर ये पूरी बात समझ में नहीं आई लोगों को, भगवान ने अधर्म का विनाश किया, उनका मतलब क्या है कि भगवान को, कृष्ण भगवान को जन्म से लेकर उनका आयुष्य कर्म पूर्ण हुआ वहां तक चारों ओर से भारी भारी संयोग थे, प्रतिकूल संयोग थे, अधर्म के संयोग थे, बराबर है? तो संयोग सब भारी है, मगर भगवान कैसे रहे, कोई भी संयोग की खुद को असर नहीं हो रही थी, कितना भी भारी संयोग आया, दुर्योधन ने भगवान की सही बात नहीं सुनी तो भी भगवान विचलित हुए थे। फिर भगवान ने ऑफर किया कि चलो ऐसा करो आधा राज्य दे दो, आधा आपके पास रखो, वो भी स्वीकार नहीं किया तो भी भगवान विचलित हुए थे। फिर एंड में बोला ठीक है आपको जो पसंद है वो 5 गांव दे दो, नहीं वही भी वो भी देने वाला नहीं। तो दुर्योधन ने इतने अपने व्यवहार में इतना नीचा चला गया, फिर भी भगवान विचलित नहीं हुए, तो ये क्या हुआ, ये अधर्म का विनाश किया। इस तक बात समझ में? कोई आपका अपमान करे और आप डिस्टर्ब नहीं होते हैं, वो क्या हुआ, वो अपमान करने वाले को आपने जीत लिया। तो भगवान को चारों ओर से सब भारी संयोग थे, भगवान कोई भी जगह पे वो भारी संयोग की खुद को इफेक्ट नहीं होने दी, खुद को असर नहीं होने दी, वो अधर्म का विनाश किया। सुगम समझ में? अधर्म का विनाश किया, देखो समझ में आता है? रक्षा समझ में आती है बात? हाँ हाँ
और धर्म की स्थापना के उनका मतलब क्या है कि सारे उनके चारे ओर जन्म से मृत्यु तक प्रतिकूल संयोग थे, अधर्म के संयोग थे, भारी संयोग थे, मगर उनके खुद को असर तो नहीं होने दी, मगर सभी निमित्तों के प्रति भगवान भीतर सबका कल्याण देखते हो, तो उनका कल्याण कैसे हो, वो धर्म की स्थापना की। ऐसा कि मंदिर बनाया, आश्रम बनाया, ऐसा नहीं। जैसे ये है ना सर कि धर्म के कितने मीनिंग है, जैसे कि आपने बताया वैष्णव धर्म वाली बात, एक बाउंड्री हो गई, लेकिन धर्म के एक सह कि जैसे ड्यूटी है, कर्तव्य है। तो अभी पिछले सत्संग में हमने उन्होंने बताया महाराज ने कि वो अर्जुन जो था वो आया, तो उसको तो पहले से ही पता था कि भाई मैं लड़ने जा रहा हूँ और हमारे साथ इसने ऐसा किया है, लाक्षाग्रह वगैरह सब उसके दिमाग में आ गए। लेकिन जो ही वो आए और उनसे कहा, अर्जुन ने कहा कि माधव ऐसा करो कि ये जो रथ है ना इसको हो आप दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। जितना कहा तो वो तो नाटक था ना भगवान का। अच्छा अपने चरण विधि में भी आता है संसार सबसे जब से नाटक हुआ नाटक, तो भगवान ने उनको जब देखा ये बात है तो भगवान ने क्या किया, उस रथ को वहाँ ले गए, उस वो उसके द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के सामने ले गए। अगर उसी रथ को भगवान चाहते तो उसको जो है दुर्योधन के और दुशासन के पास ले जाते तो अर्जुन को सब कुछ होता नहीं। तो वो कह रहे थे कि अर्जुन अपनी ड्यूटी भूल गया, वो था क्षत्रिय और वहाँ वो ज्ञान की बात कर रहा है, भगवान को ज्ञान दे रहा है। तो वो सच है। ये जो है ना प्रथम अध्याय में लोगों को ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जब वो आप पुत्रों ने समझाया ना कि भगवान तो नाटक को नाटक समझ रहे थे, आगे चल के उन्होंने कहा कि भगवान को पता था कि भाई ये नाटक चल रहा है। तो जब अभिमन्यु का वध किया उन 5-6 महायोद्धाओं ने तो भगवान विचलित नहीं हुए। वो जानते थे न कोई मरता है न कोई जिंदा होता है। ये जो है ना अपने जैसे आप अपने क्या है कि बाहर के अधर्म के संयोग की भगवान को असर नहीं हुई, वो धर्म का विनाश किया। हाँ, और सारे संयोग के प्रति भीतर से पॉजिटिव थे। मानो दुर्योधन है, किशन कुमार दुर्योधन था ना, दुर्योधन फिर भगवान को प्रश्न करता है, जानामि मे धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि मे अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूँ, मैं उनका आचरण पालन नहीं कर पाता हूँ, अधर्म को जानता हूँ, उनका त्याग नहीं कर पाता हूँ, ऐसा क्यों? तो भगवान को क्या उत्तर पता नहीं था? भगवान को सब पता था, फिर भी भगवान मौन रहे। क्यों मौन रहे? क्योंकि भगवान जानते थे कि दुर्योधन की कुबुद्धि है और उनको मैं सच्ची बात बताऊंगा तो उनका वो मिसयूज करेगा, दुरुपयोग करेगा और ज्यादा अधोगति में जाएगा, ज्यादा स्लिप होगा। ये भगवान की करुणा थी। तो ये भगवान उनका दुर्योधन का भी हित देखते थे ने, ये धर्म की स्थापना हुई। बराबर इस तरह से। हाँ तेरा प्रश्न है, आप बोलो। अच्छा त्रिमंत्र ने, त्रिमंत्र में 3 मंत्र है, ये नवकार मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमः शिवाय, तो 3 मंत्र हुआ ना, इसलिए त्रिमंत्र बोलते। त्रि मीन्स थ्री, त्रिमंत्र। और ये तीनों मंत्र है ने वो जो सबसे पहले भगवान हो गए ऋषभदेव भगवान, ये चक्र में ये साइकिल में ऋषभदेव भगवान, तो ऋषभदेव भगवान ने ये 3 मंत्र साथ में दिया और बताया था कि आपका रिचुअल्स है ना, शिव मंदिर में जाते वहाँ पानी चढ़ाते, बिली पत्थर चढ़ाते, वहाँ कुछ भोग नहीं लगाते, तो कृष्ण के मंदिर में जाएंगे तो बार बार मंदिर बंद करेंगे, भोग लगाएंगे, भगवान को नहलाएंगे, तो
वो नए नए ड्रेस पहनाएंगे, नए नए दागिने गहने पहनाएंगे, और ये जैन मंदिर है तीर्थंकर भगवान का, तो वहाँ तो कुछ खाना बना नहीं धराते, भोग नहीं लगाते, पर वहाँ क्या सिर्फ भगवान के अंग ही करते हैं। तो सबका व्यवहार अलग अलग है, सबके रिचुअल्स अलग अलग है, सबके रिचुअल्स अलग अलग है। तो भगवान ने क्या बताया था कि आप अपना मंदिर बांट लेना, पर मंत्रों सातवें बोलना। फिर धीरे धीरे काल का परिवर्तन आ गया, टाइम इज चेंजिंग। तो फिर क्या हुआ, तो जो इंटेलेक्चुअल बुद्धि वाले लोग थे ना, उन्होंने सोचा कि ये तो अपना मंत्र है, ये अपना मंत्र है, तो सबने मंदिर के साथ मंत्र को भी बांट लिया। तो जैनों ने बताया कि नौका मंत्र हमारा है, वैष्णव ने बोला ओम नमो भगवते वासुदेव हमारा है, तो वे सही बोलते हैं ओम नमो से हमारा है, ऐसे सबने मंत्र भी बांट दिए। तो भगवान ने जो ओरिजिनली बताया था कि तीनों मंत्र साथ में बोलने का, कोई भी मंदिर में जाओ तीनों मंत्र साथ में बोलने का, तो उनकी जगह सब मंत्र भी बांट लिया। हम बुद्धि वाले इंटेलिजेंट है, सब बांट लिया। तो दादा भगवान जब 1958 में उनको ज्ञान प्रकाश हुआ स्रोत के सेशन पे, तो उनको ये सब ज्ञान प्रकाश तो दिखाई दिया, तो उन्होंने बताया कि अब ये तीन मंत्र साथ में बोल। तो हमारा सूरत में टेम्पल है तो कैसा है, बीच में श्रीमद स्वामी, बाजू में कृष्ण भगवान का टेम्पल है, साइड में शिव जी का टेम्पल है, तो तीनों मंदिर है, मंदिर अलग अलग है साथ में, और तीनों जगह पे जाके हम मंत्र एक ही बोलते हैं त्रिमंत्र। तो त्रिमंत्र बोलने से क्या होता है, त्रिमंत्र का नाम है संसार विघ्न निवारक दादा भगवान त्रिमंत्र। तो संसार में जो विघ्न आते हैं, ऑब्स्टेकल आते हैं, तो त्रिमंत्र बोलने से वो दूर हो जाते हैं, और मोक्ष मार्ग में भी हमें जो आगे बढ़ना है उनके लिए हमें सभी संयोग पॉजिटिव मिल जाते हैं। वो कैसे होता है कि तीन मंत्र बोलने से सभी धर्म के देवी देवता ऊपर होते हैं, देवलोक में, जैन धर्म के, वैष्णव धर्म के, शैव धर्म के, तो सबको क्या होता है, सभी देवी देवता हम पे राजी रहते हैं। तो तुम बड़ी हो रही है, तेरे को कुछ तकलीफ है, तो पापा मम्मी अपने बाउंड्री में रहकर आपको हेल्प करेंगे। मानो आपको कुछ पढ़ाई में कुछ नहीं आता है, स्टडी में नहीं आता है, तो मम्मी है आपको सिखाएगी नहीं। मगर दूसरा कुछ है, आपको ऐसा बहुत हेडेक हो रहा है, तो मम्मी क्या करेगी, कुछ नहीं कर पाती है, तो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे देवी देवता अपनी बाउंड्री में रहकर आपको हेल्प कर सकते, अपनी मर्यादा में रहकर, इसलिए बोल रहे। समझ में आगे कुछ और पूछना है तो कथक देखेंगे हम आपका। ये परी को तो कथक अच्छा आता है, तो हम उनका देखेंगे आज, अभी देखेंगे तो मुझे बताया था शुरू में कि मुझे कथक आता है, अच्छा तो देखें क्या जाता है। इसको 2 साल हो गए सर, तो बंद हो गई, हां कथक 2 साल का कोर्स है, 2 साल से करते हैं, 2 साल हो गए, वैसे 9 साल का होता है, अच्छा 2 साल हो गए। आप जितना भी थोड़ा डिग्री मिलती है, मतलब जितना भी थोड़ा बहुत आता है देख लेंगे, नौ साल में पूरा हो जाता है। नहीं वहां तक पूछ लो, और कोई पूछता है तो
अभी जी मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर रहे हैं तो मोक्ष से क्या मतलब, थोड़ा इसको भी उनका प्रश्न है, मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर रहे हैं तो मोक्ष का क्या मतलब है? मोक्ष का मतलब मुक्त, किसी भी प्रकार का बंधन नहीं करना। तो मोक्ष का मतलब वहां दूसरे कोई संजोग नहीं होते, यहाँ सब संजोग है इसलिए बंधन है, यहाँ सब संजोग है इसलिए आपको बंधन है। तो मोक्ष मार्ग में संजोग नहीं होते, और संजोग नहीं होते इसे बंधन नहीं है। यार दूसरी तरह बताओ, मोक्ष मार्ग का मतलब, मोक्ष का मतलब क्या है? कि 360 डिग्री जागृति आ गई, वो मोक्ष हो गया। आपकी जहाँ जागृति है वहां मार नहीं खाएगी, ऐसे 360 डिग्री जागृति हो संसार में कोई जगह पर मार नहीं खाएगा, फिर वो मुक्त हो जाता है। आज आप कहाँ करेंगे, यहाँ चलेगा?
सुबह कीर्तन भक्ति बुलाएगा, रक्षा बुलाएगी, मम्मी बुलाएगी।